What's up guys, welcome back to my channel. Well, मेरा तो अब यही outro हो गया, अब आप समझ ही भी गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ. Well, अभी मैं थोड़ी देर पहले unboxing किया था और बहुत ही अनुभव अच्छा रहा, amazing रहा. वो था पोया माइक का, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इससे related videos जो मेरे गियर में रहेगा ट्रैवल बैकपैकिंग में मैं अब लेके चलूँगा. तो मैं पहले दिखा चुका हूँ बोया माइक का, वो मेरा व्लॉगिंग गियर है मैं है शामिल. अब मैं जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज की वीडियो में रहेगा वो है पावर बैंक, जो कि यूजुअली बहुत ज़रूरी है हर व्लॉगर लोगों को कैरी अराउंड करना, क्योंकि कहीं भी ऐसा हो सकता है कि आप DSLR से करें तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो आप मोबाइल यूज़ करते हो. दैट केस में मैं इसलिए बैटरी ना लूँ तो मैं पावर बैंक रखा हुआ, बहुत ज़रूरी होता है एक ट्रैवलर के लिए, बैकपैकर के लिए गियर में रखना है इसको. सो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा iPro का 10,000 mAh का पावर बैंक. सो मैं सोचा था क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग की जाए. अभी कुछ दिन पहले इसे आके रखा हुआ है, मैंने सब सामान एक साथ मंगाया था, 3 दिन के अंदर आया था. फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बहुत फास्ट है, मैं बहुत इंप्रेस हूँ इसकी डिलीवरी से. सो चलो स्टार्ट किया जाए अनबॉक्सिंग. सो ये देख सकते हो बैड डूड, फिर से बैड डूड आ गया है. ये बहुत अच्छी पैकेजिंग है फ्लिपकार्ट की, एकदम खुश कर देता है. तो ये पहले बता दे रहा हूँ, ये 10,000 mAh की पावर बैंक है iPro का. और वेल यूजुअली ये मेरे को नहीं मालूम, जहाँ से 700 रुपये का मिलता है, मैंने देखा था कुछ दिन पहले. आप रियर करेंट टाइम प्राइस मुझे नहीं मालूम, मुझे लेकिन मिला था 539 का. बता सकता हूँ वही दशहरा वाला सेल जो चल रहा था, बहुत ही मज़ेदार सेल था, मैंने उसका फ़ायदा उठाया और बहुत सामान मंगा के रखा हुआ था. ये सब ये हो गया बोया माइक हो गया, और एक और चीज़ है, और जो जो सामान था मैंने साथ ही मंगाया था फ्लिपकार्ट से जो मंगाना था, और आके पड़ा हुआ था बहुत दिन से, मौका नहीं मिल रहा था कि खोल के इसको दिखा सकूँ आप लोगों को. सो आज फाइनली इसको खोला जाए, आज तो मैं इसे ही खोलूँगा. देखिए हाथ बहुत हो गया, आज हाथ ही खोलेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है इसे खोलने में, सेटिस्फाइंग है भाई ये, दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग आई कैन टेल यू. बहुत सुकून लग रहा है हाथ खाने में. फिर से जैसे तो बबल रैप में आया दूसरा दोस्त, जो कि अब मेरा कैरियर दोस्त होने वाला है मेरे ट्रैवलिंग में, और काफ़ी भारी है यार. द फर्स्ट इंप्रेशन इस बार ये रहा मेरा कि ये काफ़ी भारी है, काफ़ी भारी है ये iPro का. हाँ देख लो, तो चलो पहले इसका पूरा दिखा दे रहा है. iPro पोर्टेबल पावर सोल्यूशन का आउटपुट, इसका स्पेसिफिकेशन देख लो. आउटपुट करेंट वोल्ट ये इतना है 2.1, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, कैपेसिटी इतना है 10,400 mAh, और इनपुट 5. और ये शुरुआत में तो मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी डाउन रहती होगी, आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार फुल चार्ज हो जाए तो समझ लो 3-4 बार आपका मोबाइल अगर 3,000 mAh की बैटरी करेगा तो 3-4 बार चार्ज हो जाएगा फुल चार्ज होने में. सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि यह हर एक कलर में हाईलाइट है, जो लिखा है पावर विल स्टिल रिमेन एज लो एज आ बॉक्स आफ्टर 3 मंथ्स यू स्टोरेज, हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज ओवर लोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. बापरे बाप, बहुत अच्छा है. और हाई कैपेसिटी लॉन्ग लाइफ रिचार्जेबल लियॉन बैटरीज विथ मोर देन 800 चार्ज साइकिल्स, ये हर पीले रंग में लिखा हुआ है. और देख के पता चलता है क्यों ये इसका नाम सही में लिखा हुआ है, पोर्टेबल पावर सोल्यूशन. हाईलाइट में स्लोगन है सही में पोर्टेबल पावर सोल्यूशन है. और इसकी MRP तो यहाँ लिखी हुई 2,399, मुझे तो 540 रुपये मिला डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट में. और ऊपर से एक और अच्छी खासियत ये है ये iPro में कि इसमें मैंने देखा 1 ईयर वारंटी है दोस्तों, 1 ईयर वारंटी है. वाओ, दैट्स डोंट यू थिंक दिस, ये बहुत अमेजिंग है. ये बहुत अच्छी डील थी जिसको मैंने मतलब देखा और तुरंत क्रैक किया बिना सोचे समझे. ये बना हुआ है iPro जापान, इसका फल ये देखो. मैंने ब्लैक मंगाया था, मुझे ब्लैक चाहिए था, उसे ही मिला भी ब्लैक, काफ़ी अच्छा है, भारी है, मुझे लगा अच्छा होगा. बिल रसीद भी मिली मुझे, ये देखो इसकी रसीद है 1 साल की है ये. बिल रसीद में तो 500 रुपया लिखा हुआ है, कुल मिला का 539 का. ठीक है, अब इसको खोला जाए, काफ़ी भारी है. तो एक बैक पैकर्स के लिए, ट्रैवलर के लिए, व्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा इक्विपमेंट वो लेके चले, क्योंकि बहुत ध्यान देना रहता है ये सब चीज़ों में. बाहर आपके आप अपना घर लेकर तो चलते नहीं, तो आपको कैसे मालूम रहेगा कि कौन चीज़ आपके काम की, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और बहुत सोच समझ के लेना चाहिए तो, और ज़रूर लेना चाहिए. उसमें से एक तो ये है हो गया, अगर DSLR कैमरा लिए तो वो है माइक, तो चाहिए iPro.
पावर बैंक ये मोबाइल को आपको बहुत हमेशा चार्ज रखना है। बाप रे यार, ये तो बहुत भारी है हाथ में छूने पर, देख सकते हो। अच्छा, मैंने अच्छा चीज़ खरीदा, मुझे मैंने बहुत अच्छा चीज़ खरीदा, मुझे महसूस हो रहा है, फील कर रहा है कि बहुत मेरा काम आएगा। देखो देख सकते हो, दो USB पोर्ट है और चार्जिंग केबिल है। उसके बाद दबाऊँगा तो देख सकते हो दो बैटरी जल रही है, दैट मीन्स की अभी लो है, इसको फुल चार्ज करना पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छा है, देखिए बटन दबाया हुआ। अरे इसमें फ्लैश लाइट भी है, वाओ, डोंट यू थिंक दैट इज़ अमेजिंग। कि अगर आपको मान लो टॉर्च का भी काम करने की जरूरत पड़ जाए और आपके पास नहीं टॉर्च है, तो ये उसका भी काम कर सकता है। कितना अच्छा है ये। एक ही केबल देख सकते हो, थोड़ा सा केबल छोटी मिल गई, मैं एक्सपेक्ट करा तो थोड़ा केबल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी केबल चार्जिंग पॉइंट से मतलब ईजिली नहीं रहेगा चार्ज करना। सो ये काफ़ी अच्छा है, आई वुड सजेस्ट ये iPro लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत खुश हुआ। सो ये अ मस्ट बाय प्रोडक्ट है फॉर एवरी ट्रैवलर, व्लॉगर और बैकपैकर के लिए, काफ़ी अच्छा है, आपके हमेशा काम आएगा, अमेजिंग। सो बैटरी कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा 10,000 mAh की है। सो इतनी उससे देख सकते हो आप ये ना कि स्मार्टफोन, आईपैड, एंड्रॉयड को चार्ज कर सकता है, बल्कि ये सोनी के हैंडहेल्ड कंसोल जो होते हैं उसको भी, और सोनी के कंट्रोलर्स जो होते हैं उसको भी चार्ज कर सकते हैं। डोंट यू थिंक दैट्स ऑसम। जब आप इस पावर बैंक को पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, कि इसको शुरुआत में कम से कम 8 से 9 घंटा चार्जिंग चाहिए ताकि ये यूज़ में आ सके, आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सको, अच्छा बैटरी बैकअप मिले, तो 8-9 घंटा चार्ज करना। तो दोस्तों इसमें मैंने एक और बहुत बेहतरीन चीज़ देखी जो मैंने अभी खोलने के बाद एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर लिए हो तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, या आप मान लो ऑन कर दियो और इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अंदर ये फीचर है कि ऑटोमेटिक बंद कर देता है, अगर यूज़ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी जो है पावर बैंक की वो सेफ रहेगी और काफ़ी दिन तक चलेगी, काफ़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो काफ़ी दिनों तक। सो डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग, व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, आप बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। मेरे को तो इसका बहुत अच्छा लगा, इसका भारीपन से लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल है, और बैटरी भी देख सकते हो कि सेविंग वाला ऑप्शन है, बैटरी सेविंग मोड का कितना अच्छा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बैटरी बचाने के लिए। तो मैं दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और नए हो तो थम्स अप और सब्सक्राइब बटन मत बताना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि तुम्हें पता चले पहले मेरा वीडियो सबसे पहले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं सो आपसे दोबारा अगले वीडियो में मिलूंगा। सो स्टे स्माइलिंग, स्टे ऑसम, बाय बाय।